टॉपिक प्रेगनेंसी है, आपने मिस किया और आपने गोली खाई तो पेट के अंदर इतनी सारी ब्लीडिंग हो जाएगी आपकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और आपको ये प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसको अबॉर्ट कैसे किया जाए, यानी कि एमटीपी किट लेने का सही तरीका क्या है, कब तक ले सकते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको इन्हीं सभी बातों की जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर अबॉर्शन के लिए कौन सी गोलियां खानी चाहिए, उनको कैसे खाना चाहिए, क्या उनको खाना सेफ है, आगे चलकर प्रेगनेंसी होने में क्या कोई मुझे दिक्कत आएगी और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप एमटीपी किट ले सकते हैं, यानी कि दवाई से अबॉर्शन करवा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ये दवाई कभी भी आपको मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट खरीद कर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता कि कितनी तरीके से कैसे लेनी चाहिए और उसके क्या इफेक्ट और क्या साइड इफेक्ट है। इसलिए गोली को हमेशा एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से ही आपको लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तुरंत आप एक सोनोग्राफी करवा लीजिए, जिससे कि हम ये लोकेट कर पाए कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्योंकि प्रेगनेंसी कई बार एक्टोपिक हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीनिंग होता है कि आपका बच्चा बच्चेदानी के अंदर ना हो कर ट्यूब के अंदर या बच्चेदानी के बाहर कहीं लगा है, तो ऐसे स्थिति में ये लोकेट करना बहुत जरूरी होता है कि बच्चा कहाँ पर है। यदि आपका बच्चा बच्चेदानी के अंदर नहीं दिख रहा है तो पॉसिबली एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही होता है या अर्ली प्रेगनेंसी होता है, तो ऐसे स्थिति में रिपीट सोनोग्राफी की जाती है एक हफ्ते के बाद, ताकि लोकेशन कंप्लीट हो सके या लोकेशन का अच्छे से कंफर्मेशन हो सके। यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपने मिस किया और आपने गोली खाई तो पेट के अंदर इतनी सारी ब्लीडिंग हो जाएगी आपकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी गोली खाने का प्लान करें तो सोनोग्राफी जरूर करवा लीजिए, और जैसे ही सोनोग्राफी करवा लेते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होती है, बच्चेदानी के अंदर ही बच्चा होता है, तो उसका एज आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने वीक की प्रेगनेंसी है, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से कम है तभी आप गोली खा सकते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से ज्यादा है तो गोली देना मना है, यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। 7 हफ्ते के ऊपर फिर आपको सर्जिकल डीएनसी करानी होती है या सर्जिकल अबॉर्शन कराना होता है, जिसका मतलब होता है कि औजार डालकर सफाई करना। तो यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 10 होना चाहिए। यदि आपका हीमोग्लोबिन 10 के नीचे, यानी कि आप एनेमिक हैं, तो आपको काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण और खून की कमी होने के कारण आपको शॉक हो सकता है, या खून की कमी के कारण आप बेहोश हो सकती है, आपकी जान को तकलीफ हो सकती है, जान को रिस्क हो सकता है। यदि खून कम है तो भी फिर आप डॉक्टर से संपर्क करके सही सलाह के साथ आप अपना अबॉर्शन करवाइए। अब जैसे ही आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से कम है, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी, यानी बच्चेदानी के अंदर ही बच्चा है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन फॉर्म भर दीजिए। अबॉर्शन फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्टर एमटीपी किट देती है। एमटीपी किट के अंदर इस तरीके की 5 गोलियां आती है, इसमें 1 गोली मिफेप्रिस्टोन की होती है और 4 गोलियां हमारी मिसोप्रिस्टोन की होती हैं। जो मिफेप्रिस्टोन वाली जो 1 गोली सिंगल गोली है, उसको 1 गिलास पानी के साथ डॉक्टर आपको खिला देती है, तो यानी कि 1 गोली आप स्टैट ले सकती हैं। उसके बाद में आपके पास 4 गोलियां बचती हैं। 4 गोलियां या तो आप 24 से 48 घंटे के अंदर 2-2 कर मुंह से ले सकती हैं, या 2-2 गोलियां वजाइनली ले सकती हैं। इसके अलावा 48 घंटे के बाद आप 4 गोलियां एक साथ वजाइनली, यानी बच्चेदानी के रास्ते में भी रख सकती है। दोनों ही तरीके सेफ हैं, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के इफेक्ट सेम आते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। यदि आप मुंह से गोली खाती हैं तो जनरली कई बार आपको नौजिया या वॉमिटिंग हो सकता है, यानी कि आपको उल्टी का जी कर सकता है, और जैसे ही आपकी गोली आपके पेट के अंदर पहुंचती है तो किसी किसी को गोली का जैसे ही असर शुरू होता है तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि पेन होने शुरू हो जाते हैं, और किसी को पहली गोली खाने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को अगली 2 गोलियां खाने के बाद ब्लीडिंग होती है, किसी को 5 गोलियां खाने के बाद ब्लीडिंग शुरू होती है, और किसी किसी को 5 गोलियां
दवाइयां खाने के बाद भी कोई ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है। तो ये बहुत सारे वेरिएशन है, तो वेरिएशन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक गोली खाने के बाद भी ब्लीडिंग हो जाती है तो भी आपको चारों गोलियां खानी होती है, और दो गोलियां तीन गोलियां खाने के बाद भी ब्लीडिंग होती है तो भी पांचों गोलियां ही खानी होती है। यानी कि गोली को लेने में कोई कोताही या कोई मिस गोली नहीं करनी होती है, हमें सारी गोलियां खानी होती है। और जब पूरी गोलियां खा लेते हैं तो 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग नॉर्मल महीने आने से डबल होती है, कई बार क्लॉट्स भी आ सकते हैं। और यदि आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुरंत सफाई करवा लेनी चाहिए जिससे कि ब्लीडिंग को रोका जा सके। और यदि इतनी ब्लीडिंग है कि आप आराम से उसको सहन कर पा रही हैं, आपको कोई कमजोरी चक्कर घबराहट नहीं आ रहे हैं, तो ब्लीडिंग फिर धीरे धीरे अपने आप रुक जाती है। 5 से 7 दिन के अंदर ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है। और 15वें दिन जाकर आपको एक क्रॉस चेक सोनोग्राफी करानी होती है, ये चेक करने के लिए कि अंदर से यूट्राइन कैविटी पूरी खाली हो चुकी है, यानी बच्चेदानी के अंदर अब किसी प्रकार का कचरा या कोई बच्चे का टुकड़ा नहीं बचा है। क्योंकि यदि ऐसा कुछ रह जाता है तो आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, बाद में धब्बे 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 चलते रहते हैं जो कि आगे चलकर बच्चेदानी को डैमेज कर सकता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति यदि हो तो सोनोग्राफी क्रॉस चेक कराने से पता चल जाएगा। और यदि ऐसा कुछ रह जाता है तो फिर उसकी डीएनसी नहीं करानी चाहिए, फिर आपको दूरबीन से उस कचरे को या टुकड़े को निकलवाना चाहिए जिससे कि अंदर की बच्चेदानी को पूरा एग्जामिन किया जा सके, अंदर किसी भी प्रकार का जो भी पीस है उसको पकड़कर निकाला जा सके और अंदर बच्चेदानी को किसी प्रकार का डैमेज ना हो, ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की प्रेगनेंसी का नुकसान ना हो, यानी कि आगे प्रेगनेंसी होने में कोई परेशानी ना आए। तो मैं समझती हूँ कि इस वीडियो में आपको हमने कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करी कि मेडिसिन आपको कैसे लेनी होती, मेडिसिन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको कैसे और कब मेडिसिन लेनी चाहिए। यदि आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।